चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिद्धू मूसेवाला के हत्या का आरोपी भारत लाया गया है। सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश है सचिन, अजरबैजान के बाकू में सचिन था, तो सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला के हत्या का ये आरोपी है जिसको अब भारत लाया गया है। तो सिद्धू मूसेवाला कांड जिसने ना सिर्फ पंजाब को हिलाया बल्कि देश को हिलाया था, एक होनहार यंगस्टर सिंगर जो था अब हमारे बीच नहीं रहा था, उस बीच किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था और कहा यही जा रहा था कि दूर बैठा यहां से षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया। तो सचिन बिश्नोई, जी हाँ सचिन बिश्नोई है जो कि मुख्य आरोपी है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का, विदेश में था, अजरबैजान था, जिसे भारत लाया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस पूरी खबर पर बने हैं। अली देखिए, सचिन बिश्नोई को आखिरकार अजरबैजान से भारत लाया गया, अब आगे क्या? देखिए बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ये जो आरोपी है लगातार फरार था और विदेश में जाकर छुप गया था, तो अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया है तो अपना में बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ कई सारे तार अभी और जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं वो खुलने बाकी हैं, क्योंकि इसमें तमाम जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्योंकि एक बड़ा रैकेट विदेश में रह के भी जो गैंगस्टरों का है वो भी इसके पीछे माना गया था, और इसी के चलते विवेचना भी इसकी बड़ी गंभीरता से की जा रही थी। तो बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है दीपिका, और ये भी आकलन लगाया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर हम कह भी सकते हैं अली, चूंकि बहुत लंबे अरसे से कोशिश यही की जा रही थी कि जो मेन आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए। अब आगे बहुत सी ऐसी चीज़ है जैसे कि आप भी बता रहे हैं खुलासा होना बाकी है। देखिए इस बीच हमने ये भी देखा था किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा था यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम देश भी छोड़ देंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पीड़ित परिवार की यही गुहार थी सरकार से, पुलिस से, कि जल्द से जल्द जो हत्या आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन बड़ी उपलब्धि यूं भी कहा जा सकता है इसे दीपिका, क्योंकि जो लॉयन बिश्नोई है उसका ये भाई है सचिन बिश्नोई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें एक अरसे से लगी हुई थी, लेकिन बड़ी उपलब्धि से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज इसको भारत लाया जा रहा है। चलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा अली, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।